क्या आप सभी चाइना की याओ वुमेन के बारे में जानते हैं? जी हाँ, यहाँ की महिलाएं जिनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया जा चुका है, क्योंकि यहाँ की महिलाओं के बाल 80 साल में भी काले, लंबे और घने होते हैं और बढ़ते रहते हैं, जिसका पूरा श्रेय ये महिलाएं फर्मेंटेड राइस वाटर को देती हैं। दोस्तों, जब से मुझे पता चला है याओ वुमेन अपने बालों को चावल के पानी से वॉश करती हैं, चावल के पानी का यूज़ करती हैं अपने बालों पर, तो मैंने भी अपने बालों पर चावल के पानी का यूज़ करना स्टार्ट किया। चावल से काफ़ी रेमेडी को बनाकर अपने बालों पर लगाया, जैसे हेयर मास्क हो गया, कंडीशनर हो गया, काफ़ी चीज़ें मैंने चावल से बनी हुई चीज़ों को अपने बालों पर लगाया है और आप मेरे बालों में रिजल्ट्स देख सकते हैं। मेरे बाल कितने ज़्यादा सॉफ्ट, सिल्की, शाइनी, स्ट्रेट हैं और लंबे भी हुए हैं, पहले से बहुत ज़्यादा, और मोटे भी हुए हैं। तो आप मेरे बालों में चावल के रिजल्ट्स देख सकते हैं कि चावल का पानी कैसे काम करता है। दोस्तों, आप मेरी वीडियो लगातार देखते रहिए, मैं अपनी वीडियो में अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी जो मुझे मेरे बालों में गजब का रिजल्ट्स दिया है और आपके बालों में भी 110% वही रिजल्ट देखने को मिलेगा अगर आप मेरी बताई गई रेमेडीज को यूज करते हैं। तो सो प्लीज, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और दूसरों के पास भी जरूर शेयर करें। तो आज की इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी लेकर आई हूँ जो आपके रूखे और बेजान बालों में एक नई जान डाल सकता है। अगर आपके बाल हमेशा रूखे बेजान रहते हैं तो ये रेमेडी काम करेगी। अगर आपके बाल लंबे नहीं होते हैं और आप उनको जल्दी लंबा करना चाहते हैं, उनकी ग्रोथ फास्ट करना चाहते हैं, तो ये रेमेडी काम करेगी। अगर आप अपने बालों में केमिकल ट्रीटमेंट करवा कर अपने बालों को ख़राब कर चुके हैं और चाहते हैं कि आपके बालों का लुक चेंज हो जाए, तो भी ये रेमेडी 100% कमाल का रिजल्ट दे सकती है आपके बालों में। जी हाँ, तो चलिए इस वीडियो को पूरा देखते हैं और जानते हैं कैसे तैयार किया जाता है फर्मेंटेड राइस वाटर। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और उसके बगल में दी गई घंटी को दबाकर ऑल पर ज़रूर दबा दें, जिससे आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकें। जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा ध्यान से देखें, उनको अच्छे से समझें और फिर लगाएं अपने बालों पर और अपनी स्किन पर। आप फर्मेंटेड राइस वाटर कैसे बनाएंगे जिससे आपको गजब के रिजल्ट्स मिले आपके बालों में? फर्मेंटेड राइस वाटर बनाने के लिए सबसे पहले आपको चावल की ज़रूरत होगी। आपके पास जो भी चावल है जिसको आप डेली खाते हैं, आप वही चावल इस्तेमाल कर सकते हैं। आप एक कटोरी चावल लेकर इसको एक बाउल में डाल दें और इसमें एक ग्लास पानी डालकर अच्छे से मस लें हाथों से, जिससे इसकी सारी गंदगी पानी में निकल जाए। अब आप इस गंदे पानी को किसी दूसरे बर्तन में निकाल लें, फिर आप इस बाउल को पूरा पानी से भर दें। आप इस फर्मेंटेड राइस वाटर को बनाने के लिए उसी पानी का इस्तेमाल करें जिस पानी को आप डेली पीते हैं। अगर आप फिल्टर वाटर का यूज़ करते हैं पीने में, तो चावल में फिल्टर वाटर का ही यूज़ करें, क्योंकि अगर आपके घर का पानी बहुत खारा है तो फिर इसका रिजल्ट आपको बिल्कुल कम देखने को मिल सकता है आपके बालों में। इस बाउल को पूरा पानी से भरने के बाद अब आपको इसमें दूसरा इंग्रेडिएंट्स डालना है। याओ वुमेन जो राइस वाटर यूज़ करती थी उसमें वो पोमेलो के छिलके का यूज़ करती थी। पोमेलो एक तरह का सिट्रस फल है। हम यहाँ पर किसी भी तरह के सिट्रस फ्रूट के छिलके का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमें एग्जैक्ट वही चीज़ें नहीं मिल सकती हैं जो याओ वुमेन यूज़ करती थी, लेकिन उससे मिलता जुलता उतना ही स्ट्रॉन्ग विटामिन और मिनरल से भरी हुई चीज़ें हम इसमें डाल रहे हैं। सिट्रस फ्रूट के छिलके में भरपूर मात्रा में विटामिन सी, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम और पोटेशियम होता है, जो बालों की ग्रोथ में इम्पॉर्टेंट होता है। हम यहाँ पर नींबू के छिलके का यूज़ करेंगे। मैंने यहाँ पर 3 से 4 नींबू के छिलके को ग्रेट करके इस पानी में डाला है। आप भी नींबू के छिलके का यूज़ करें, या अगर आपके पास संतरे का छिलका है तो आप उसको भी इसमें ग्रेट कर सकती हैं या कट करके डाल सकती हैं। इसको डालने से फर्मेंटेड राइस वाटर की स्मेल जो होती है वो थोड़ी कम हो जाएगी। इसके अलावा आप अपने खाने पीने का ख्याल रखें, रोज़ सुबह खाली पेट
10 से 15 करी के पत्ते चबा चबा कर खाएं, आंवले का रस पिएं, विटामिन सी ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक करें, अच्छा खाना खाएं, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। नींबू का छिलका ग्रेट करने के बाद इसको ढक कर छोड़ दें ऐसे ही। अब आगे ध्यान से समझें, अगर आपके पास कम टाइम है और आप चावल के पानी का यूज करना चाहती हैं अपने बालों पर, तो आप इसको 1 से 1.5 घंटे ढक कर रखें, उसके बाद इसका यूज करें अपने बालों पर। लेकिन अगर आपके पास अच्छे से टाइम है और रिजल्ट्स भी आप गजब के देखना चाहती हैं अपने बालों में, तो जैसा मैं बता रही हूँ, आप राइस वाटर का यूज ऐसे करें अपने बालों में। आप इसको 24 घंटे के लिए ऐसे ही ढककर छोड़ दें, और 24 घंटे का प्रोसेस क्या होगा वो देखते हैं आगे। 24 घंटे होने के बाद जब आप इसका ढक्कन खोलेंगे तो चावल का पानी बिल्कुल दूध की तरह सफेद हो जाएगा। इसमें आपको थोड़े से बबल्स भी देखने को मिल सकते हैं, आपको इसमें थोड़ी स्मेल भी आएगी, लेकिन ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमने इसमें नींबू के छिलके का यूज़ किया है। 24 घंटे बाद जो ये आपको सफ़ेद पानी मिला है, यही है फर्मेंटेड राइस वाटर। ये राइस वाटर आपके बालों में क्या क्या कमाल कर सकता है, आप दंग रह जाएंगे इसके रिजल्ट्स देखकर। जी हाँ, विश्वास नहीं होता तो करके देखिए, मात्र 2 से 3 हफ्ते। और फिर आइए इस वीडियो के नीचे कमेंट करिए। आप कमेंट्स में ये नहीं लिखेंगे कि ये बकवास है, आप ये लिखने पर मजबूर हो जाएंगे कि इसने मेरे बालों पर गजब के रिजल्ट्स दिए हैं। अगर आप कोई ऐसे जन हैं जो राइस वाटर का यूज़ कर रहे हैं और आपको रिजल्ट मिल चुका है, तो भी आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, ताकि मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर आपके पॉजिटिव कमेंट्स को पढ़कर बेहद पॉजिटिव फील करें और पूरे विश्वास के साथ इस रेमेडी को लगाना स्टार्ट करें। तो चलिए आगे देखते हैं, इसको आप अपने बालों में कैसे यूज़ करेंगे। आप एक दूसरे बाउल में इस पानी को छलनी से छान लेंगे। छानने के बाद मैं आपको 2 तरीका बता रही हूँ, जो तरीका आपको अपने हिसाब से सुटेबल लगे, सही लगे और जिसे करने में आप कंफर्ट फील करें, आप उसी तरीके से इसे अपने बालों में लगाएं। दोनों तरीके बहुत ही अच्छे हैं। तो तरीका नंबर 1, सबसे पहले आप इस तरह एक स्प्रे बॉटल लें और इस बॉटल में इस राइस वाटर को भर लें। राइस वाटर बालों में लगाने से पहले बालों को अच्छे से कॉम कर लें, उसके बाद बालों में पार्टीशन करके अच्छे से पूरे बालों की जड़ों पर और पूरे बालों की लंबाई पर अच्छे से इस चावल के पानी को स्प्रे करें। एक एक बालों में अच्छे से राइस वाटर लग जाए, उसके बाद अपने बालों का एक बन बनाकर छोड़ दें। इस चावल के पानी को अपने बालों में 1.5 से 1 घंटे लगा रहने दें, उसके बाद बालों को वॉश कर दें। तरीका नंबर 2, इसमें आपको सबसे पहले एक छोटा टब या कोई बर्तन रखना है, उसके बाद अपने बालों को आगे की तरफ कर लें, फिर फर्मेंटेड राइस वाटर को ऊपर से बालों पर डालते जाएं, जिससे जड़ से लेकर पूरे बालों की लंबाई पर अच्छे से राइस वाटर लग जाए। जो पानी नीचे गिर रहा है उसे दोबारा से किसी बर्तन में लेकर फिर से बालों पर डालें और ऐसा 3 से 4 बार करें। उसके बाद ऐसे ही सर को झुकाकर अपने बालों की मसाज करें 1 से 2 मिनट, फिर बालों का एक बन बनाकर छोड़ दें और 1 घंटे तक इसको बालों में लगाकर रखें। 1 घंटे बाद बालों को वॉश कर दें। दोस्तों, क्या आपको पता है बालों का 95% प्रोटीन से बना है। हमारे बाल विशेष रूप से अमीनो एसिड चेन यानी कैरेटीन नामक प्रोटीन से बने हैं, और चावल के पानी में भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है जो बालों पर सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। चावल में मौजूद अमीनो एसिड्स और स्टार्च आपके डैमेज बालों को रिपेयर करने का काम करते हैं। शैम्पू के बाद कंडीशनर की जगह अगर आप चावल के पानी से बाल धोएंगे तो यह आपके बालों को घना और बेहद सॉफ्ट बनाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं आपसे मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।